हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मौसम बहुत प्यारा है, बादल वाला आज मौसम हो रखा है, बहुत अच्छे से बादल हो रहे हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद मैंने वीडियो शुरू किया है। और आज है अंश बाबू का बर्थडे, मेरे बच्चे का बर्थडे आज। और तो आज अंश हो जाएगा 14 ईयर्स, 14 साल का अंश आज कंप्लीट हो जाएगा और फिर 15 में शुरू हो जाएगा। तो अंश हो गया है बड़ा और ये क्लास कर रहा है कलराम से। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और अब हम लगेंगे बहुत सारे काम में। आज बहुत सारा काम करना है क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन ऐसा है कि एक भी शॉप हमारी नहीं खुली हुई है बाहर, कोई भी शॉप। अगर हम एक चॉकलेट भी लेने जाते हैं ना शॉप पे, तो वो भी नहीं है, फुल कर्फ्यू है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है। तो जो भी होगा, जैसा भी बर्थडे हम इंजॉय करेंगे, वो हम सब घर में करने वाले हैं। कुछ नहीं है कि हम कोई बाहर से तैयारी, कुछ भी सामान हमारे घर में बाहर से नहीं आएगा, तो सब कुछ होममेड होगा, चाहे वो केक हो चाहे वो खाना हो, तो जो भी होगा। और कोई डेकोरेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अंश का पापा भी नहीं है, मतलब बच्चों के दादाजी और इनकी बुआ जी, तो कोई है ही नहीं। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, खाएंगे, ये हमारा सेलिब्रेशन आज रहने वाला है। और जितना भी होगा, आज पूरा दिन मैं अंश का फेवरेट खाना बनाऊंगी। और गिफ्ट की बात ऐसी है, तो हमारा ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बर्थडे के दिन हम गिफ्ट दे दें। पिछली बार लॉकडाउन में उसका बर्थडे हुआ था, तो हमने फिर भी यही बोला था कि बाद में देंगे। तो फिर उसका काफ़ी टाइम बाद लैपटॉप आया था, मतलब दोनों का ही आया था साथ में। और इस बार श्रेय का बर्थडे हुआ था, तो तब भी हमने सोचा था कि जो है कुछ दिन बाद बर्थडे गिफ्ट देंगे। तो स्कूटी दी है दोनों भाइयों को, वो भी बाद में, तो हमारा बाद में ही होता है सब कुछ। तो इस बार अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि उसका हम, मतलब उसको हम बर्थडे पे क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो चलिए बस अब जो है शुरू करते हैं। और आज सबसे पहला टास्क जो होगा वो होगा व्हिप क्रीम बनाने का, जो कि घर में बनने वाली है। और कोई मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, ज़्यादा मैंने कभी केक डेकोरेट नहीं किया। पिछले बर्थडे पे अंश के मैंने केक डेकोरेट किया था, जैसा भी मुझसे हुआ था, तो वही दिन वही टाइम वही लॉकडाउन सब कुछ वही है। फिर से मैं उसके लिए केक बनाऊंगी आज, जैसा भी मुझसे होगा। सब लोग मिलके हम कोशिश करेंगे व्हिप क्रीम बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई व्हिप क्रीम बनाने की भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह मेरे पास नहीं है, तो हम हाथ से ही व्हिप क्रीम बनाएंगे। जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, तो जैसा भी होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मौसम देखिए, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल मौसम है, बहुत ही सुंदर। और बूंद आ गई है, एक आधी बूंद हल्की हल्की पड़ने लगी है। आंश बेटा, कोई सा भाई आ गए, तौलिया उतार लियो, बूंद आ गई। तो हल्की हल्की बूंद आनी शुरू हो गई है, देखिए अगर आपको एक आध बूंद दिखाई देगी, देखो आ गई है ठीक ठाक। तो बूंद आनी शुरू हो गई और मौसम बादल का, और बादल गरज रहे हैं हल्के हल्के, तो मौसम आज इस तरह का कुछ हो रखा है। अभी दिखाऊंगी मैं, नीचे गीला हो जाएगा थोड़ी देर में, और हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। और गार्डन देखिए, श्रेय ने कल कितना सुंदर सा गार्डन बना दिया है, पूरी मिट्टी कितनी सॉफ्ट कर दी है। और ये मिर्ची के पेड़ हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मिर्ची वगैरह भी पता नहीं कब इनके ऊपर आएंगी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मिर्ची के पेड़, और सदाबहार पे भी बहुत ही अच्छे से फूल आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा रोज़, इस पे भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, और यहाँ भी सदाबहार है हमारा जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये मेथी उगी है, तो ये मेथी ना मैंने इसको हटाने नहीं दी, किसको मत हटा बेटा, देखते हैं होती है क्या। और थोड़ा थोड़ा पुदीना, थोड़ी थोड़ी मेथी, तो ये बीच का छोड़ दिया है, और इधर भी इसने अच्छा कर दिया। और मैं यहाँ पर भीगने लगी हूँ, देखिए तो आपको पत्तियों पर बूंद नज़र आ गई होंगी, तो बूंद आनी हो गई है शुरू, और ठीक ठाक आ गई हैं एकदम से। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, यहाँ बारिश शुरू हो गई है, हम अपने किचन में करते हैं क्रीम बनाने की तैयारी। सबसे पहले मैंने ये बाउल ले लिया है, और इसमें मैं ये अमूल की क्रीम है जिसको मैं पूरी इसमें निकाल लूँगी। मैं ऊपर से कैंची से काट लिया था मैंने इसको, जिससे कि ये निकल जाए। और यहाँ पे मैंने ये बड़े वाला भगोना लिया है, इसमें मैंने ये आइस क्यूब डाल लिए हैं, जिससे कि हमारी जो क्रीम है वो ठंडी रहेगी।
क्योंकि विप क्रीम सभी को पता है बहुत ही चिल्ड होने के बाद बनती है, तो इसके लिए मैंने ये आइस क्यूब डाले हैं और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लेंडर से चला रही हूँ, हल्का सा, वो ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, हल्का सा चलाऊँगी ब्लेंडर से, जिससे कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा हाथ से करने में ईजी हो। अमूल की क्रीम है जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं वही वाली, हालांकि विप क्रीम के लिए डबल क्रीम यूज़ की जाती है, तो इसलिए हल्का सा मैंने इसको इससे चला लिया है और इसको मैं हटा दूँगी यहाँ पे। अब इसको हैंड विस्कर से करना है, तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे फैट लूँगी। फैटने का ही बस इसमें टाइम लगता है जो भी है, बाकी क्रीम तो बनी जाती है, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी चलता है इसमें, क्योंकि हैंड ब्लेंडर है तो सॉरी हैंड बीटर है तो उससे बीट करने में टाइम लगता है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे बहुत जल्दी हो जाता है। और कभी ऐसा नहीं मंगवाने को मैं मंगवा लूँ, लेकिन ये है कि कभी आज तक ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे क्रीम घर में बनानी है। तो रेडीमेड केक आते हैं, किसको पता है कि क्या होने वाला है आगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए 2 चम्मच भर के शुगर के, जो पिसी हुई चीनी है जिसको मैंने घर पे पीस लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाल लिया है वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। और हम यहाँ पे दोनों माँ बेटा लगे हुए हैं, कभी श्रेय लग जाता है कभी मैं लग जाती हूँ, तो दोनों हम इस क्रीम को तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना है कि आइस क्यूब इसमें नीचे ज़रूर होने चाहिए। तो देखिए क्रीम हमारी बहुत अच्छी सी बन गई है, फैटते फैटते गिर नहीं रही है, बहुत ही अच्छी सी क्रीम बन गई है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, जिससे कि फिर जो हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे केक के डेकोरेट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैंने इसको भगोने से बाहर निकाला है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड हो गया था, तो अब मैंने बाहर इसको थोड़ा सा फैट लिया है। और ये देखिए, देखिए कितनी सॉफ्ट कितनी हल्की हमारी क्रीम बन गई है। देखिए कुछ मैंने वाइट अलग कर ली है और कुछ में मैं यहाँ कलर यूज़ करूँगी, ग्रीन कलर करूँगी मैं, जो खाने वाला फूड कलर होता है ग्रीन कलर का, पिस्ता कलर का, तो वो मैं यूज़ करूँगी। और ये होममेड कॉर्न है तो इसमें भी मैं साथ के साथ थोड़ी सी वाइट क्रीम डाल लूँगी और फिर जो बचेगी उसमें मैं कलर डालूँगी। तो कलर मैंने दिखाया था लेकिन वो क्लिप मुझे मिली नहीं। सारा काम कंप्लीट हो गया है क्लीनिंग का, पोछा उछा बाद में हुआ है सारा, और मैं फिर से नहा धो ली हूँ, तैयार हो गई हूँ, मतलब खाना बनाने के लिए, कोई बर्थडे के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, तो मुझे अब खाना बनाना है। लंच का टाइम हो रहा है और अभी तक और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ क्रीम बनाई है, तो देखते हैं कैसे जो है काम करती है क्रीम, क्योंकि ऐसा कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह बनाने का, मैंने नहीं बनाई है बहुत ज़्यादा, पिछले अंश के बर्थडे पर बनाई थी और फिर आज बनाई है। उसके बाद रेडीमेड केक बाहर से आ जाते हैं तो नहीं बनाई एक बार भी, और अब बाहर से केक लाने का मन बिल्कुल भी नहीं हुआ, हालांकि केक तो मिल जाते सुबह सुबह मिलते। आज अभी ऐसा था कि यहाँ जो खाने पीने की दुकानें थी, जैसे हमारी जो हो गई ग्रोसरी की शॉप हो गई और डेयरी वगैरह हो गई, तो वो 12 बजे तक खुल जाती थी, तो अभी ऐसा है कि अब 10 बजे तक हो गया है और हमें नहीं पता था कि आज 10 बजे तक ही है, तो जैसे ये बाहर गए कि चलिए थोड़ा बहुत कुछ ले आएँ, तो मार्केट पूरा बंद था, तो आज कुछ भी मतलब खुला नहीं है, फुल कर्फ्यू है, कोई शॉप नहीं खुली है, और आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो आज के दिन जो भी होगा मैं अपने आप ही करूँगी जितनी कोशिश मुझसे होगी, तो बस एंजॉय करेंगे आज फुल डे, खाना बनाना वही सब चलने वाला है जैसे कि मैंने पहले बोला। तो अब मैं जा रही हूँ बस किचन में, खाना बनाना है मुझे, पाव भाजी बना रही हूँ, आज ने बोला है कि मम्मी मुझे आज पाव भाजी खानी है, तो चलिए पाव नहीं थे तो ये पाव लेके आए हैं, बड़ी मुश्किल से पाव मिले हैं और वो भी छोटे वाले पाव मिले हैं, बहुत ही मतलब हालत ऐसे हैं कि अगर हमारा किसी चीज़ का मन है तो नहीं हो पाएगा, और बहुत मतलब टाइम लगा है इनको एक पाव लेके आने में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने पर इन्हें पाव मिले हैं और वो भी छोटे वाले। मैंने चलिए कोई नहीं, बच्चे का मन है तो उसका मन रह जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, और सब्जी वगैरह जो हैं तो उनसे मैं पाव भाजी तैयार करूँगी। तो चलिए बस देर नहीं करते, अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि भूख लगने लगी है, ब्रेड ही ली थी सुबह और फिर रात का भी करना है, अभी मेरा केक वगैरह भी बेक नहीं हुआ, तो खाना बनाते ही फिर उसके बाद मैं तुरंत केक बेक कर दूँगी, मैं मतलब बेक होने के लिए रख दूँगी क्योंकि फिर ठंडा भी होना है, फिर थोड़ा सा डेकोरेट भी करना है जितना मुझसे होगा, तो बस आज यही सब होने वाला है। तो चलिए चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं पाव भाजी बनाना। अभी मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं कट की है, तो चलिए पहले मैं सब्ज़ी कट करूँगी उसके बाद फिर शुरू करते हैं। और ये दोनों बाहर हैं, यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है इस रूम में फिलहाल, बाहर है। चलिए
ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने कट कर ली हैं, गाजर ली हैं, बीन्स हैं और थोड़ी सी लौकी थी, कद्दू नहीं था तो लौकी ही मैंने डाल ली है, बीज हटा दिए हैं और एक बड़े साइज का आलू है, एक शिमला मिर्च है, तो इनको सबको मैंने एक जगह ही कट कर लिया है। रपली काटा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है क्योंकि इसको करना है मुझे बॉयल। और बीन्स भी हार्ड हैं, गाजर भी हार्ड हैं, आलू, लौकी, तो एक शिमला मिर्च है, ये थोड़ी सी पुरानी हो रखी है तो मैंने ये भी साथ में ही डाल दी है। इसको फिर पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और पहले मैं सोच रही थी कि पत्ता गोभी मैं बाद में डालूँगी बारीक बारीक कट करके, लेकिन फिर मैंने देखा पत्ता गोभी बासी है तो कुकर में मैंने ये सब्ज़ियाँ डाल दी हैं और फिर मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी साथ ही कट कर दी है क्योंकि मुझे लग रहा है ये बासी है, आजकल यही हो रहा है, तो इसको भी मैं साथ में बॉयल करूँगी। हाँ, थोड़ा सा मोटी मोटी ही काटी है, बारीक नहीं काटी है क्योंकि इसका मैं यही सोच रही थी कि इसको मैं बाद में करूँगी। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पहले मैंने पहली सब्ज़ी के हिसाब से डाला था, नमक डाल दिया है जिससे कि सब्ज़ी हमारी जल्दी से गल जाएंगी। तो 2-3 सीटी मैं इन सब्ज़ी में लगा लूँगी यहाँ पर, और जब तक प्याज वगैरह चॉप कर रही हूँ क्योंकि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब मैं बाद में डालने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे प्याज मेरी कट चुकी है और सब मैं हाथ से ही कर रही हूँ, चॉपर वगैरह आज मैंने नहीं लिया है। हरी मिर्च ले ली हैं, टमाटर, और यहाँ पे आंच अभी नया नहीं है, बर्थडे बॉय मेरा बच्चा, तो ये भी ऐसे ही घूम रहा है क्योंकि क्लासेस आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, 4-5 क्लास चलती हैं बच्चों की, श्रेय की बल्कि कम चलती हैं, आंच की 4-5 क्लास डेली चलती है, मतलब 4-5 घंटे चलते हैं उसके, और आजकल क्लास भी पूरे 1 घंटे की हो रही है तो उसको अभी तक टाइम नहीं मिला है नहाने का। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तड़के की तैयारी कर रही हूँ और कढ़ाई मेरी ख़राब होनी शुरू हो गई है, 1.5 साल हो गया इस कढ़ाई को, और स्टील वगैरह मैंने करछी स्पैचुला कभी भी यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद कोटिंग उतरनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें घी लिया है और ये घर का मक्खन है, जो मैं घर का मक्खन बनाती हूँ उसी को रख लेती हूँ, तो वो मक्खन है, बहुत ही अच्छा मक्खन है। तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, खाली मक्खन भी ले सकते हैं लेकिन मुझे लगा कि कहीं कम ना रह जाए तो मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है और हींग डाल दिया है। हींग जीरा जैसे ही थोड़ा सा तड़कने लगा फिर मैंने इसमें डाल दी है प्याज, और प्याज मैंने रफली ही चॉप की है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं की है, नॉर्मल 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी तो उनको मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया, बड़े साइज़ की है तो एक भी काफ़ी होगी लेकिन मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की ली हैं तो 2 ले ली हैं, और हल्का सा इनको मुझे भूनना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज का नहीं करूँगी, नहीं तो फिर कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा पाव भाजी का, बहुत ही अच्छा सा कलर पाव भाजी का आने वाला है आज। तो यहाँ पे मैंने प्याज भून ली है, देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, हल्का सा प्याज पे कलर नहीं आया है, बस ट्रांसपेरेंट हुई है। फिर मैंने इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है जिससे कि कलर अच्छा सा आए, और फिर मैंने ये 2 टमाटर लिए थे जिनको रफली चॉप कर लिया है, और हरी मिर्च, तो ये सब मैंने साथ में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर के हिसाब का नमक, क्योंकि मैंने सब्ज़ी में पहले से ही नमक डाल रखा है, तो टमाटर के हिसाब का मैं इसमें नमक डाल दिया है जिससे कि जल्दी से टमाटर हमारे गल जाएं, क्योंकि टमाटर भी मैंने रफली ही कट किए थे और बीच में मैंने इनको 1-2 बार चला दिया था क्योंकि मोटे मोटे टमाटर थे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है पकने में। और यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ी, और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया है पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आप चाहें तो ऊपर से बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसी टाइम डाल दिया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये सब्ज़ी मेरी बॉयल हो चुकी हैं। आप चाहें तो इनको पहले ही इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश करके डाल सकते हैं, मैंने इसी में डाल दिया है क्योंकि मेरा कुकर भी जो है वो नॉनस्टिक है तो उसमें मुझे ठीक नहीं लगा इस तरह से मैसर चलाना, तो मैंने कढ़ाई में करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे सारी सब्ज़ी मेरी गल चुकी है, जो 1-2 पीस बचा है वो पत्ता गोभी का ही बचा है, उस पर मुझे डाउट था इसीलिए मैंने पहले उसको बॉयल में ही डाल दिया था। तो थोड़े से बड़े पत्ते 1-2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, तो देखिए, और थोड़ा बहुत जो है पीस हल्का फुल्का रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आएगा बीच बीच में। मटर वगैरह मेरे पास नहीं थी तो मैंने, और श्रेय को मटर का फ्लेवर पसंद भी नहीं है, तो बच्चों को जो चीज़ पसंद नहीं है उसके बनाने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है। इसमें हल्का सा क्रंच रह गया है पत्ता गोभी का, और हरा धनिया मैंने कट करके डाल दिया है, तो बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी हमारी भाजी बन के हो गई है तैयार। और यहाँ देखिए ये जैसे
छोटे छोटे बॉल्स हों इस तरह के पाव लेकर आए हैं। तो इन्हें मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको मैं कैसे कट करूं, क्या करूं। तो पहले मैंने इधर से कट कर दिया, हालांकि इधर से होने थे, और फिर इनको मैं यहाँ पे हल्का हल्का जो है चीरा सा लगा रही हूँ, मतलब इनको खोल रही हूँ, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि इनको मैं सेकूँ तो सेकूँ कैसे। लेकिन जो भी था, जैसे भी था, इस तरह से टूटे फूटे करके मैंने बटर लगाया तवे के ऊपर, अच्छे से लगाया और फिर इनको रख दिया, और वो क्लिप चलाना भूल गई। और ऊपर से मैंने इनके ऊपर बटर फिर से लगा लिया है, जिससे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाएं। लेकिन पाव का जो टेस्ट था वो बहुत ही गजब का टेस्ट था, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे पाव थे। छोटे भले ही थे, थोड़ा सा सिकने में दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन बहुत ही अच्छे पाव थे। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरे बैच के लिए बटर लगा लिया है, और ये इस टाइम मैं रेडीमेड बटर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, अब मैंने थोड़ा सा आ गया था तो इस तरह से खोल लिया है, और दूसरा जो है वो फिर उल्टा पुल्टा हो गया है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी इनको सेकने में, लेकिन सच में जितना मैं कन्फ्यूज थी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये पाव भाजी आज हमारी बनी है, पाव भी और भाजी भी। तो इस तरह से मैंने फिर से इसके ऊपर बटर लगा लिया है। बटर आप कम ज़्यादा लगा सकते हैं। हल्की हल्की आँच पे मैं इनको सेक रही हूँ, तो एक साइड से सिक गए हैं, फिर मैं इनको पलट लूँगी यहाँ पे। तो पाव भी हमारे सिक्के हो गए हैं तैयार, अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए, लग रहे हैं ना बहुत ही यम्मी से पाव। छोटे ज़रूर हैं, लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सेकने में तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, और पाव भाजी की तो आप पूछिए मत, बहुत टेस्टी बनी है। ऊपर से मैंने बटर डाल दिया है, और प्याज और नींबू, नींबू डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। पाव भाजी के ऊपर नींबू बहुत टेस्टी लगता है, खट्टी खट्टी पाव भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए पाव भाजी की ये यम्मी सी प्लेट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो खाना वगैरह हो गया है, और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ किचन क्लीन एक बार, क्योंकि फिर से शुरू हो जाना है केक के लिए, टाइम हो रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे केक बेक करूँगी, तो एक बार मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि लंच हमारा हो चुका है, बर्तन वगैरह सब मैंने कर दिए हैं। हाँ जी, तो खाना पीना हो चुका है और सब रेडी हैं, सब नहा धो लिए हैं, लेकिन खाने के बाद। हेलो बर्थडे बॉय जो हमारा है, खाने के बाद ना आया। श्रेय भी, ये भी, ये तो खैर दोबारा ना आए हैं, इनका तो एक बार सुबह हो गया था, फिर ये बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए, तो उस वजह से। और मैं भी तैयार हो गई हूँ तीसरी बार, मैं तीसरी बार तैयार हुई हूँ किचन का काम करके, खाना वाना बना के फिर से। और अब मैं रात के लिए रेडी हूँ, मतलब अंश के बर्थडे के लिए। और अंश ने भी वाइट शर्ट पहननी है और ब्लैक ट्राउजर पहनना है, और बाकी पापा बेटा जैसे हैं डेली नॉर्मल, हम भी नॉर्मल है। बस मैंने ये जो है गर्मी का सूट डाला है आज पहली बार, नॉर्मल है। और मेरा मतलब आज पहली बार डाला है इसलिए। चलो मम्मी ये बातें छोड़ो, खाने की बात करते हैं। लंच आज फरमाइश थी मेरी पाव भाजी की, और जो पाव भाजी आज मम्मी ने बनाई ना, बस क्या लाजवाब, शब्द नहीं है, मजेदार मजेदार। भैया बता, आज इनके ना बिल्कुल मजे आ गए, कह रहे मम्मी केक की तो जरूरत ही नहीं है, एक बर्थडे तो हो गया पूरा कंप्लीट। और क्या चाहिए, इसने ही बोला, कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई पाव भाजी की कोई भी मतलब तैयारी नहीं थी, तो इसने सुबह ही बोला, मैंने चला आज इसका बर्थडे है तो आज तो पूरी करनी पड़ेगी, इतने इतने से पाव मिले लेकिन थे बहुत टेस्टी थे, इतने इतने से लेकिन टेस्टी थे भाजी, तो बस पूछो ही ना। तो इसका आज जो है फरमाइश पूरी की गई, और हमारा केक। लेकिन बस पाव भाजी तो बस पूछो ही मत मम्मी, आप मुंह से स्वाद नहीं जा रहा, तो मजा आ गया। तो भाजी रखी है और इसको फिर से मैं पाव सेक के दे दूंगी, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया, और मजा आ गया। देने पड़ेंगे फिर तो, कितने देने पड़ेंगे? और दोनों भाइयों को मतलब छोले चावल खा लिए? नहीं, पाव भाजी खाऊंगा। देख लो, अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि कितनी मतलब टेस्टी बनी होगी। आप भी बता दो, इन्होंने तो दोनों ने कहा था पूरी खा दी, आप भी बता दो, आप भी कोई रिजल्ट दे दो। चलो जी, अभी ये रिजल्ट देंगे थोड़ा सा, मेरा रिजल्ट, पाव भाजी का रिजल्ट। भाई पाव तो जैसे कि हम लेके आए थे
जाहिर सी बात है पाव तो टेस्टी होने ही थे, पर सब्जी भी जैसे इन्होंने पूरी मेहनत से बनाई है, बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनी थी। और जिसे खा के अंश तो कह रहा है मम्मी हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए पाव भाजी। तो मैं तो बोल रही मुझे क्या करना है, सब्जी बनानी है उसमें तो और भी इजी है मेरे लिए, तो पाव लेके आए करो तो मैं बना दूंगी। और फिर ना एक चीज बार बार बनने लगे तो वो टेस्ट नहीं आता, महीने दो महीने तीन चार महीने बाद बनती है बात अलग ही आती है। नॉर्मल हमारी दाल सब्जी होती है, हालांकि अच्छे से बनाते हैं मन से बनाते हैं वो भी टेस्टी लगती है, लेकिन वो बात फिर नॉर्मल सा खाना हो जाता है ना वो। तो भी तो इंस्टेंट सी है, ज्यादा टाइम कहाँ लगा। नहीं टाइम तो खैर पाव भाजी में लगता ही नहीं है, और बॉईल करके बनाते हैं तो वो तो लगता ही नहीं है। और जबकि मैं गाजर नहीं खाता भैया शिमला मिर्च नहीं खाता। और देखा मैंने भर के गाजर डाल ली थी उसमें, नहीं शिमला मिर्च तो इसलिए थोड़ी बहुत खाने भी लगा, लेकिन गाजर तो इनके बिल्कुल पता भी लगा गाजर का नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं था उसमें। देखो आज इनका गाजर भी खा ली। सब्जी में जब गाजर लेके आया तो मुझसे पूछा गया गाजर क्यों लेके आए, आज देखे क्यों लेके आए, और मैंने आपसे बोला था पता नहीं क्यों लेके आए, तो वो आज ही काम आ गई। कभी कभी ना ऐसे हो जाता है, लॉकडाउन स्पेशल बर्थडे होता है उसका, पिछली बार भी और इस बार भी। तो ऐसा पिछली बार तो श्रेय भी नहीं था, पिछली बार तो हम तीन ही थे, इस बार तो खैर श्रेय, श्रेय मेरे बाल क्यों फाड़ रहा है बेटा, मेरे बाल खींच रहा है मजा मेरे बाल खींच रहा है। और लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, अब आज, आज तो बिल्कुल 10 बजे मतलब सारी दुकानें बंद करा दी थी पुलिस वालों ने, कुछ भी नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि मैं व्हिप क्रीम ना बाहर से मंगवा लूं, बाहर निकल के देखा तो सब बंद, तो मुझे घर पे मेहनत करनी पड़ी, पता नहीं कैसी बनी होगी वो तो बाद में पता लगेगा। बना के तो रखी थी जैसी थी, पर पता जब ही लगेगा जब मैं केक डेकोरेट करूंगी कि हाँ अच्छी खासी बनी है नहीं बनी है, काम चलाओ तो चलो हो ही गई है, ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन मेहनत मेरी पूरी लगी। मौसम अच्छा आज, गर्मी नहीं है, अच्छा मौसम है, कभी धूप सी हो रही है कभी बूंदे सी आ रही है कभी बादल से हो रहा है, सुबह बूंद आ गई थी एकदम और फिर बादल हाँ बाहर गए तभी। तो चलिए जी देखिए यहाँ पे केक हमारा बेक हो चुका है और बहुत ही स्पंजी केक बना है, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है, वो तो आपको देखने से लग ही रहा होगा, लेकिन इसकी रेसिपी आपको इससे अगली वीडियो में मिलेगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है बर्थडे का वो देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, उसमें ये फुल रेसिपी है।